नमस्कार, मैं हूँ राधिका। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और काले चने के बहुत ही टेस्टी नमक पारे, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हो या फिर कहीं सफर में भी ले जा सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और इसकी एक खास बात यह है कि इसे आप एयर बंद कंटेनर में भर के एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्टी से नमक पारे बनाना। तो इसके लिए हमने आधी कटोरी चने लिए थे, जिनको हमने रात भर पानी में भिगो दिए और ये अच्छी तरीके से फूल गए। अब इसी के साथ में हम लेंगे दो हरी मिर्च। अब इन्हें हमें मिक्सर के जार में डाल के इनका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। अब इसी के साथ में मिर्ची को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे और इनका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको हम पहले ऐसे ही पीस लेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने इसे 2-3 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके का हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। उंगलियों में ले रहे तो इसमें कोई भी मोटा दाना नहीं है। अगर बाई चांस आपके कोई मोटा दाना रह जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, अब इस सारे पेस्ट को हम एक बड़ी परात में डाल देंगे। अब इसके साथ में डालेंगे 6 चम्मच मूंगफली का तेल। आप मूंगफली के तेल की जगह रिफाइंड तेल का या फिर घी का भी यूज कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे हमारे नमक पारा में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी और इन चीजों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये नमक पारे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, हमने सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब इसमें डाला है हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। देखिए, ये अभी भी डो की फॉर्म में नहीं आया है, थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा और मिला लेंगे और इसी के साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी से इसको गूंथ के तैयार करना है। अगर फिर भी थोड़ी जरूरत लगे तो थोड़े से पानी के छींटे मार लेंगे और इसका हमें एक टाइट डो लगा के तैयार करना है। देखिए, हमने इसका एक टाइट सा डो लगा लिया है और हमने थोड़े से पानी के छींटे मारे थे और इसमें 1 चम्मच तेल डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से हम बाटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके का हमने डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पर 1 कटोरी लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मैदा। मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हो और इसमें 3-4 चम्मच तेल डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और इसकी एक स्लरी बना के तैयार कर ली। अब इसे साइड पर रखते हैं, इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर 1 कटोरी और लेंगे। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच पुदीने का पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच सफेद नमक और 1 पिंच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा एक चटपटा सा मसाला बनके तैयार हो गया। इस मसाले से हमारे नमक पारे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इन दोनों कटोरियों को साइड पे रख देंगे और वापस ये हम लेंगे जो हमने डो लगा के रखा था। इसे एक बार हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे और इसमें से हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी हम बाटी बनाते हैं उतनी बड़ी हमें लोई बना के तैयार करनी है और सारे आटे से हम सेम साइज की लोई बना लेंगे। देखिए, इतने में हमारी 6 लोई बन के तैयार हो गई। अब इन्हें साइड पर रखते हैं और यहाँ पर इसे एक लोई उठा के सूखे मैदे में डस्ट कर लेंगे और चकले के ऊपर रख के इसके हमें एक रोटी बना के तैयार करनी है। देखिए, इस तरीके से जितनी बड़ी आप रोटी बेल सकते हो उतनी बड़ी आपको रोटी बेल लेनी है। देखिए, इस तरीके की हमने इतनी बड़ी रोटी बेल के तैयार कर ली है और रोटी से थोड़ी सी हमें मोटी रखी है इसको और सारी लोइयों से हम रोटी बना के तैयार कर लेंगे और हमें सेम साइज की यहाँ पर रोटियाँ बना के तैयार करनी है। देखिए, हमने सारी रोटियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। अब जो हमने सैलरी बना के रखी थी और उस पर से 1 चम्मच सैलरी लेंगे और इसके ऊपर पूरी रोटी पे हम अच्छी तरीके से फैला देंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा हम डस्ट कर देंगे। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। देखिए, इस तरीके से हम 3 रोटी को एक साथ लगा लेंगे। आप चाहे तो 4 रोटी की भी लेयर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 रोटी की लेयर बना रही हूँ। देखिए, मैंने एक बार और इसके ऊपर सैलरी लगा दी और थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे और एक और रोटी उठा के इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम वापिस ही बेल लेंगे, जिससे कि सारी रोटियाँ आपस में चिपक जाए और ये फ्राई करते टाइम पे खुले नहीं। बहुत ही अच्छी हमारे नमक पारे बन के तैयार होंगे और इससे हमारे बहुत ही अच्छे लहरदार नमक पारे बनेंगे। देखिए, हमने इसे वापिस ही बेल लिया है और पूरे चकले के
ऊपर हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब इस तरीके का बोतल का ढक्कन लेंगे और इससे हम काजू की शेप में नमक पारे काट लेंगे। देखिए, अगर आपके पास छोटा वाला ढक्कन हो तो आप छोटे साइज के नमक पारे भी बना सकते हैं। ढक्कन को हम पीछे की तरफ से थोड़ा प्रेस करके काट लेंगे, जिससे कि ये फ्राई करते टाइम पे खुलेंगे नहीं। देखिए, इस तरीके से हम पूरे नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, मेरे पास इस तरीके की कुकी कटर है, तो मैं इनसे भी आपको नमक पारे बना के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी शेप के नमक पारे बन के तैयार होंगे। देखिए, इस तरीके से हम पूरे नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा लेंगे और इसकी हम वापसी लोई बना के और इसके हम रोटी बेल के वापसी नमक पारे बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, हमने जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लिया है और सारे नमक पारे हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, सारे नमक पारे हमने इस तरीके से बना के तैयार कर लिए, सारे अलग अलग शेप में बना के तैयार किए हैं। और जो हमने ढक्कन से बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पे पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हम एक नमक पारा डाल के चेक करते हैं। देखिए, तेल में बबल्स आ रहे हैं, ये मीडियम गर्म है, इतना ही हमें तेल गर्म चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब हम इसमें नमक पारा डाल देंगे। नमक पारे डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि तेल उछल के आपके हाथ के ऊपर नहीं आए, थोड़े से सावधानी से डालें। देखिए, हमने जितने एक बैच में आए उतने डाल दिए और इनको अलटते पलटते लो टू मीडियम फ्लेम पे इनमें गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से। और एक बैच को फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। देखिए, इनको हमने अच्छी तरीके से अलटते पलटते फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इनके सारे लेयर अच्छे से खुल गई है। अब हम इन्हें छलनी से निकाल लेंगे। छलनी को थोड़ी देर हम कढ़ाई के साइड पे रोक लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल वापस ही कढ़ाई में चला जाएगा और इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। और सेकंड वाला बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए, फ्लेम को हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, तेज फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी से गोल्डन कलर के हो जाएंगे। देखिए, हमने सेकंड वाला बैच भी फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे नमक पारे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स नमक पारे बनाना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, हमने सारे नमक पारे फ्राई कर लिए हैं। अब जो हमने इसमें चटपटा सा मसाला बना के रखा था उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये हमारे काले चने और गेहूं के आटे के नमक पारे बनके तैयार है। अब इन नमक पारों को आप ठंडे करके एयर बंद कंटेनर में भर के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और इन्हें आप शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ परोसिए या फिर कहीं सफर में ले जाइए, जब मन करे आप तब निकाल के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे हमारे नमक पारे बने हैं, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।